हेलो गाइस गाइस आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आप गूगल पे सर्च करते हो या क्रोम पे सर्च करते हो ये जो डाटा होता है कौन सी हार्ड डिस्क में सेव होता है क्या ये सेव होता है या नहीं होता है जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हो और आप जो उसकी हिस्ट्री डिलीट कर देते हो तो ये जो आपका डाटा होता है जो जो भी आपने सर्च इंजन में जो सर्च किया है क्या वो डाटा सेव होता है और सेव होता है तो कौन सी हार्ड डिस्क में सेव होता है और कितने मंथ तक आपका जो डाटा वो सिक्योर रखा जाता है तो गाइज़ आज की वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बता दूंगा सो गाइज बिना किस तरीके को स्टार्ट करते हैं सो so, जैसा कि मैंने बताया कि आज की वीडियो में बात करेंगे जो आप सर्च इंजन में गूगल में आप जो सर्च करते हो क्या आपका ये डाटा सेव होता है जब आप हिस्ट्री डिलीट कर देते हो तो क्या आपका डाटा जो है वो सेव हो जाता है गूगल के पास और ये क्या हार्ड डिस्क में सेव होता है या नहीं होता है तो क्या फंडा कुछ ऐसा है जब आप किसी गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च करते हो क्रोम में सर्च कर लो फायरफॉक्स में किसी भी सर्च इंजन में आप जब सर्च करते हो तो जब आप सर्च करने के बाद आप हिस्ट्री डिलीट कर देते हो तो क्या आपका डाटा सेव होता है या नहीं होता है बहुत यार लोग हैं ये पूछते हैं तो आपका जो है वो सेव होता है हंड्रेड परसेंट सेव होता है मैं यार किसी और की बात में नहीं कह रहा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि हां गूगल में जो है डाटा सेव होता है मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैंने खुद से देखा है कि हाँ भाई डाटा सेव होता है या नहीं के किसी के कहने पर हाँ भाई डाटा सेव होता है तो मैंने कह दिया मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं तो जब आप गूगल में या किसी भी क्रोम ब्राउजर में सर्च करते हो और आप अपने आप से हिस्ट्री डिलीट कर देते हो तो वो जो डाटा होता है वो गूगल के या जिस भी आप ब्राउजर में सर्च किया है उसके डाटा सेंटर में जाकर सेव हो जाता है हंड्रेड परसेंट राइट है कहीं जैसे गूगल का जो है डाटा सेंटर है वो बैगलोर में हैदराबाद में

पे आपका जो है डाटा सिक्स मंथ तक आपका सेव रखा जाता है सिक्स मंथ बाद आपका जो है डाटा जो है वो रिसेट कर दिया मतलब कि आपका जो डाटा डिलीट कर दिया जाता है क्योंकि यार इतनी हार्ड डिस्क तो नहीं है कि भाई पूरी दुनिया के हार्ड डिस्क रहा रख के रखे जाएंगे दो साल तक पाँच साल तक नहीं छः महीने तक जो है आपका डाटा सेव रखा जाता है और छः महीने बाद जो है आपका जो डाटा है वो डिलीट कर दिया जाता है गूगल डाटा सेंटर से भी या जिस भी आप ब्राउजर में जो भी ब्राउजर में आप सर्च कर रहे हो उसका जो डाटा सेंटर है वहाँ से भी आपका सिक्स मंथ जो है डाटा डिलीट कर दिया जाएगा हद से ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी डाटा सेंटर एक साल तक रखता है ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी डाटा सेंटर वैसे छः महीने तक ही रखते हैं बट जो कोई ज़्यादा ही जैसे आपका कुछ डाटा सेंटर हैं जो एक साल तक रखते हैं बट जो गूगल रखता है वो अपने बाद छः महीने तक ही रखता है और अगर इमरजेंसी में उसे रिस्टोर करना पड़े वो डाटा तो वो रिस्टोर कर लेता है ऐसा नहीं कि आपका रिस्टोर डाटा नहीं होता रिस्टोर हो जाता है डाटा जो आपने सर्च किया वहाँ से डाटा सेंटर से उन्होंने डिलीट किया वो भी रिस्टोर कर सकते हैं तो गाइस ये पूरा होता है डाटा का फंडा गाइस अभी में आपके मन में कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन डाटा से रिलेटेड तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आकर हमसे पूछ सकते हो गाइज में इथिकल हैकिंग का भी कोर्स कराता हूँ आपको इथिकल हैकर बनना है आपको इंटरेस्ट है हैकिंग में तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हो इंस्टाग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे फॉलो करना और मैसेज कर देना मैं मैं मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा